नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। और बिहार में सियासी हलचल लगातार बढ़ती चली जा रही है, एक के बाद एक अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो उस वक्त भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, आरजेडी कोटे के मंत्रियों ने गाड़ी वापस कर दी है। सभी मंत्रियों ने अपने सरकारी गाड़ी को वापस कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे, कुमार सर्वजीत तेजस्वी आवास पहुंचे हैं और जब वो अपने तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे तो अपनी गाड़ी से वो तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे हैं। कुमार सर्वजीत ने सरकारी गाड़ी वापस कर दी है, समर्थन वापस लिए जाने पर गाड़ी वापस की गई है और आज की बैठक में कई सारे मुद्दे तय होंगे। कुमार सर्वजीत की तरफ से यह भी कहा गया है, दलित रह सकता है या नहीं ये होगा तय। नीतीश कुमार के अलग अगल बगल में रहने वाले लोगों पर उन्होंने निशाना भी साधा, ऐसे लोग दलित की बात करने देंगे या नहीं, कुमार सर्वजीत की तरफ से भी कहा गया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आरजेडी के मंत्रियों की तरफ से अब गाड़ी को वापस कर दिया जा रहा है, यानी जो गाड़ी मंत्रियों को यूज करने के लिए सरकारी गाड़ी दी गई थी उसे वापस कर दिया गया है। और कुमार सर्वजीत तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे हुए हैं। सर्वजीत अपनी गाड़ी से ही तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे क्योंकि उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी वापस कर दी है। समर्थन वापस लिए जाने के बाद ये गाड़ी जो है तुम गए नहीं पहले, अब जाने दे, जान भी रहे हैं कि जा रहे हैं, उसे पहले पूछ रहे हैं आप। एजेंडा क्या है, किस बात को लेकर के बैठक बुलाई? नहीं नहीं, बैठक सुनिए सुनिए, ये अच्छा ये बताइए कि आज की बैठक में क्या दलित सीएम बनाने को लेकर चर्चा करेंगे आप लोग? देखिए, हम यहाँ हमेशा आते हैं और आज भी जा रहे हैं, ठीक है ना। अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि किस मकसद से हम लोग को बुलाया गया है। पहले तो आते थे अपने काम से और विचार राय विचार के चले जाते। क्या तमाम विधायक जो है आज इस्तीफा भी दे सकते हैं, इस बात की आपकी तैयारी है? विधायक इस्तीफा देंगे, हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, जनता क्या हम लोग को आदेश देती है इसके बाद ना निर्णय बताएंगे। आप लोग इस्तीफा दे रहे हैं, मतलब आज इस्तीफा आप लोग देंगे? हर 15 महीने में सरकार गिरने की बात है, इस्तीफा दे रहे हैं? नीतीश कुमार के ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग हर परिस्थिति का सामना पहले भी किए हैं और आज परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। जैसा परिस्थिति बनता है उसा स्थिति का हम लोग सामना करने बदलने के ऊपर बात हो रही है। बार बार मैं क्या कहें, कभी बीजेपी हो रही है, कभी आरजेडी हो रही है, सरकार से दल बदल की राजनीति के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, दल बदलता कोई नहीं है, दल बदलता है जनता। जनता जब दल बदल लेगी तो सबको बदल जाएंगे। जनता जब तक दल नहीं बदली है तब तक नहीं बदला। हम लोग सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सरकार हम लोग का भी है, आगे क्या होगा आने के बाद। नीतीश कुमार हमारे सवालों को देखिए, ये हैं विधायक यहाँ से और ये कह रहे हैं कि सीधी सी तेजस्वी के अभी जो बैठक होने वाली है उसमें शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि यहाँ पे जो तमाम मंत्री हैं आरजेडी कोटे से, उन्होंने अपनी गाड़ियां वापस कर दी है। और कुमार सर्वजीत ने साफ तौर पर कहा है कि चूंकि समर्थन वापस लिया जा रहा है इसलिए सरकारी गाड़ी लेने का कोई मतलब नहीं है, अब खुद की गाड़ी से चलेंगे। और आज की जो तेजस्वी की जो होने वाली जो बैठक है, इस बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जो तमाम जो विधायक हैं वो लगातार जुटने शुरू हो गए हैं। जो सुनील कुमार सिंह है वो पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी, क्या खबर? बैठक जो है वो अपने निर्धारित समय 1 बजे से शुरू हो जाएगी और 1 बजे से पहले जो है तमाम विधायकों को फोन करके कहा गया है कि हर हालत में जो है वो यहाँ पे पहुंचे और अपनी उपस्थिति दर्ज करे। कोई भी जो विधायक है वो यहाँ से अनुपस्थित नहीं रहेगा। थोड़ी देर में तेजस्वी यादव जो है वो भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन देखिए, मंत्री हमारे साथ, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, हम इतना ही जानते हैं। ठीक है सर, ये नीतीश कुमार के ऊपर आपका क्या कहना है जो ये हर बार समर्थन आरोप करते हैं दल बदल के ऊपर? देखिए, उनका सोच है, लेकिन नीतीश जी हमारे साथ आए हैं। न्याय सब कुछ, जो हमारे तेजस्वी जी का जो चार फार्मूला था, न्याय है, स्वास्थ्य है और सब कुछ के लिए क्या है, उसके साथ हमारे साथ है। मालिकों हैं, दल बदल अभी हुआ कहाँ है, सब कह रहे हैं। देखिए, जब तक फैसले नहीं होते तब तक कुमार सुधे जो है विधायक जहानाबाद से वो हमारे साथ है। आज की बैठक में क्या खास होने जा रहा है? कोई खास नहीं है, ये परंपरागत है कि जब विधानसभा का सेशन जब प्रारंभ होता है तो विधायक दल की बैठक होती है। सरकार से समर्थन वापस ले रहा है बीजेपी के साथ? नहीं, अभी भी सब कुछ समान लग रहा है। सब कुछ समान है,
नीतीश जी को लेकर क्या कहेंगे सर? क्या नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं? क्या कहना है उनके बारे में? नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में क्या मैं बता दूं? देखिए तो यहाँ पे जो है अभी तमाम विधायकों को जो है वो कहने से मना किया गया है, और तमाम विधायक जो है वो एक ही बात कह रहे हैं कि जब तक बैठक नहीं हो जाती तेजस्वी के साथ, इससे साफ लग रहा है कि आरजेडी अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। नीतीश कुमार क्या फैसले लेते हैं उसके बाद ही आरजेडी अपने पत्ते खोलेगी। जी बिल्कुल, देखिए आरजेडी के तरफ से जो है जो रणनीतियां तय की गई हैं वो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने तय कर ली है, क्योंकि विधायकों को कहा गया है कि अभी 1 बजे की बैठक में शामिल होना है और यहां पे तमाम लोगों से तेजस्वी राय लेंगे और तेजस्वी लाइन बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है उसके बाद